HyperOS 1.5 का सिस्टम लॉन्चर में नया अपडेट है। अगर आपको ये अपडेट आपका Redmi या Xiaomi डिवाइस में करना है कि नहीं जानना है, वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखो। पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहो चैनल पे और डेली वीडियोस देखो, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर मिलेगा वीडियोस में। पसंद आता है प्लीज़ यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो सिस्टम लॉन्चर में आपको रेगुलर अपडेट्स देखने को मिलता है। रेगुलर अपडेट के साथ आपको कुछ ना कुछ नया चेंजेस, कुछ नया फीचर ऐड होता है या बग फिक्स होता है या ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलता है या प्रॉब्लम भी आता है कुछ सिलेक्टेड डिवाइसेस के लिए। तो अगर आपको जानना है कि इस बार क्या हुआ तो स्किप मत करो, बस मैं यही बोलूँगा। और अपडेट करने के बाद जो है आपका ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन, फोल्डर ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन ठीक था, बट जैसे ही मैं एक और डिवाइस में अपडेट किया हूँ मेरे को प्रॉब्लम देखने को मिला। अब ये आपका Redmi Note 11 Pro Plus 5G। अब बेसिकली मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। तो देखो अपडेट करने के बाद सब कुछ परफेक्टली चल रहा था सिस्टम लॉन्चर में, जिसमें Android 14 है उस पर परफेक्टली चल रहा था, बट Android 13 वाले डिवाइस में लॉन्चर अपडेट करने के बाद प्रॉब्लम्स देखने को मिला। अब ये प्रॉब्लम आपका HyperOS का नहीं है ना आपका डिवाइस का है, ये बस आपका वर्जन का है। तो अगर आप लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कीजिएगा आपका जिस जो भी डिवाइस में HyperOS है, Android 13 है, तो आई गेस अब HyperOS का लेटेस्ट सिस्टम लॉन्चर सपोर्ट नहीं कर रहा है Android 13 को। Android 14 को सपोर्ट करेगा, Android 15 को सपोर्ट करेगा, बट Android 13 को परफेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहा है। और इस वजह से Android 13 वाला डिवाइस में प्रॉपर लैग ही हो रहा है, सिस्टम लॉन्चर एकदम परफेक्टली काम नहीं कर रहा है। तो मेरा बाकी डिवाइस में मैं ट्राई किया, उसमें परफेक्टली काम कर रहा था, सभी एनिमेशन ठीक देखने को मिल रहा था, आपका सभी जो एडिट ऑप्शन सब कुछ काम कर रहा था। बट जैसे ही मैं ये डिवाइस में अपडेट किया जिसमें कि आपका Android 13 HyperOS का लेटेस्ट अपडेट और ये आपका ऑब्वियसली पुराना डिवाइस है, तो इसमें सेटिंग्स और ऐप्स जो सही से ओपन नहीं हो रहा है, एनिमेशन एकदम गायब हो गया, लैग प्रॉपर देखने को मिल रहा है और बाकी कुछ ऐसा नया फीचर ऐड नहीं हुआ अपडेट में, बट बग जरूर क्रिएट हो जाएगा अगर आपका डिवाइस पुराना है, एंड्रॉयड वर्जन आपका एंड्रॉयड 13 है, एंड्रॉयड 14 नहीं है और आप इस लॉन्चर को अपडेट कर लीजिएगा तो आपको वो प्रॉब्लम परमानेंटली देखने को मिल जाएगा। उसको फिक्स भी आप कर सकते हैं, वो भी आपको वीडियो में पता चल जाएगा, बट हाँ उसके लिए आपको स्किप नहीं करना है बेसिकली वीडियो को भी। तो देखो अपडेट करने के बाद मेरा सब कुछ ठीक था, वही ऐप ओपनिंग आपका एकदम फंसी जाने वाला है और काफ़ी लेट तक वो मतलब फंसने वाला है, ऐसा नहीं कि एक दो सेकंड, आपका लिटरली 5 से 6 सेकंड या उससे भी ज़्यादा कभी कभी फंस जा रहा है। तो ये मेरे को प्रॉब्लम हुआ, देखो अभी भी काम नहीं कर रहा है, तो होम स्क्रीन सही से काम नहीं करने वाला है। और देखो बहुत देर में काम किया, तो हाँ ऐसा कुछ आपको प्रॉब्लम्स फेस होने वाला है अगर आप Android 13 में इंस्टॉल कीजिएगा। अगर आपका डिवाइस में HyperOS है Android 13 है तो मत इंस्टॉल कीजिए सिस्टम लॉन्चर का, और साथ पोको डिवाइस में भी, पोको लॉन्चर में कुछ दिन में ये ऐड हो जाएगा। तो अब देखो उसमें अगर जब ऐड होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा और कैसे फिक्स हो सकता है। तो बेसिकली आपको जाना होगा सेटिंग्स में, मैनेज ऐप्स में, ऐप्स में जाओ, मैनेज ऐप्स में जाओ, फिर सर्च करो लॉन्चर, लॉन्चर सर्च करने के बाद आपको बस अनइंस्टॉल अपडेट कर देना, ये वर्जन जैसे आप अपडेट कीजिए तो प्रॉब्लम आएगा इसका, पुराना वर्जन आप इजीली इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। और ऑब्वियसली आपको ये अपडेट और भी देखने को मिलेगा, ग्लोबल अपडेट जो आएगा और आपका डिवाइस के लिए जो स्पेसिफिक अपडेट आएगा सिस्टम लॉन्चर को, वो आप अपडेट कर सकते हैं। बट आप जो हायर वर्जन वाला लॉन्चर्स है, जैसे कि आपका जो समझ लीजिए कि आपका एंड्रॉयड 15 या 14 से बैकअप किया हुआ है, वो काम नहीं करेगा, उसमें आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। 15 वाला मतलब कंफर्म प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, एंड्रॉयड 14 वाला में नहीं देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया कि हाँ अब आपको नया सिस्टम लॉन्चर बंद कर देना, आपको पुराने डिवाइस में अपडेट करना और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बस लैग करेगा, आप उसको फिक्स कर सकते हैं। अनइंस्टॉल अपडेट करके फीचर चेक करना तो ट्राई कर सकते हो ऑब्वियसली। पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।